बबल्स बबल्स एक हेयर स्टाइलिंग में नाम है बबल का जूड़ा है, यानी बबल किसी तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी मैं जूड़े के तौर पे जूड़ा यानी बबल्स जूड़ा बना रही हूँ, बबल बन भी बोलते हैं इसको। तो वो स्टार्ट करते हैं हम। ये जो बाल हैं इनके आगे से, वैसे तो मैं आगे कुछ नहीं बना रही, लेकिन ये थोड़ा सा इसको यानी जैसे बैककॉमिंग स्टाइल ले रही हूँ समझो, कि बस ज़रा सा फ्लफी सा हो जाए, बिल्कुल खिंचा हुआ स्टाइल ना लगे। तो ये हल्का सा पफ टाइप में ही ले रही हूँ, वैसे तो पोनी ही बन रही है इसकी, पोनी बनेगी। जो लोग कहते हैं कि हम लोगों को बैक कॉमिंग नहीं करवानी, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल लाइट सा ये मैं पहले ये ले रही हूँ, ताकि ये ज़्यादा आगे से खिंचा हुआ ना लगे हेयर स्टाइल। अब वही जो हम पोनी बनाते हैं, पोनी बना रहे हैं। ये हम लोगों ने पोनी बना, ज़्यादा ऊंची नहीं ली है मैंने, क्योंकि इधर बबल आएंगे चारों तरफ, तो ये ज़्यादा ऊंची नहीं है, ज़्यादा हाइट पे नहीं है, बिल्कुल सेंटर में ही है। आप ये आगे से ये देख रहे हैं कि ज़्यादा खिंचावा नहीं हो। आपको आगे से अगर कोई हेयर स्टाइल लेना है तो वो भी दे सकते हैं, फिर उसके बाद पोनी बन जाएगी। अभी हमें कुछ लेना नहीं था आगे, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया है आगे, अभी जस्ट बबल सिखा रहे हैं। ये देखें, ये थोड़े से बाल लिए हैं, ये जो बाल हैं इनमें से थोड़े से ऊपर से फ्रंट से हेयर्स लिए हैं, और इनमें हम लोग जेल यूज़ करेंगे। जो हेयर स्टाइलिंग जेल आती है हेयर्स की, हेयर स्टाइलिंग जेल जो आती है, वो वाली जेल लेनी है आपको, किसी भी किस्म की मार्केट से मिल सकती है आसानी से, उसको लिया। और ये फिनिश किया है इन बालों को, यानी इनमें बिल्कुल फिनिशिंग लानी है, कि जो छोटे छोटे बाल हों वो नहीं आने चाहिए। आप इस तरीके से मेरी फिंगर को दिखाएं, ये मेरी फिंगर, ये इस तरीके से रोल करना है। ये काम थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आ जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिस लाजमी है हेयर स्टाइलिंग में, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बगैर काम नहीं चलेगा। जो भी हेयर स्टाइलिंग में सिखाती हूँ उसको प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को काम आए। वीडियो देखने का मतलब ये है कि आपको काम आना चाहिए। ये हम लोगों ने इस तरीके से ये इस तरीके से क्रिएट किया है। अब हम दूसरी तरफ से इसी तरह, जिस तरह यहाँ से लटे लिए, इसी तरह थोड़े से बाल यहाँ से लेंगे। अंदाजे से लेना है ये कि कितने बाल लेने हैं, जहाँ जितने हमने यहाँ से लिए थे उतने ही यहाँ से ले लेंगे। अब दोबारा जेल लेनी है, थोड़ी सी फिंगर में जेल ली है, ये जेल ली, और ये इस तरीके से बालों को क्लियर किया है, फिनिश किया है, ताकि ये जो बेबी हेयर्स होते हैं, फ्रिजी हेयर हैं, ये सब अलग हो जाए और ये साथ चिपक जाए। ये देखें, ये देखें, ये इस तरीके से, ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा काम, लेकिन जब प्रैक्टिस होगी तो आ जाएगा। ये देखें, ये हेयर और ये मैंने यहाँ रखा है, और आप ये इस तरीके से रोल करते हुए नीचे आ रहे हैं, रोल करके ये इसको राउंड शेप में लेना है,
तो जितना बड़ा आपको राउंड लेना है उस तरीके से हम है ये बबल्स लगाते जाएंगे। अगर हम यहाँ से लगा लेंगे तो शेप उस तरीके से नहीं आएगा। अब मैं यहाँ की तरफ से ले रही हूँ, जिस तरीके से फर्स्ट के बाद हम यहाँ गए थे इस तरीके से यहाँ चले जाएंगे। इस पे ध्यान देना है, वीडियो अगर हम YouTube से या किसी भी ऑनलाइन में सीख रहे हैं तो उसमें आपका कंसंट्रेशन होना लाजमी है। आम तरीके से सिर्फ आप सरसरी सा देखेंगे और बनाने चले जाएंगे तो नहीं आएगा हेयर स्टाइल। आपको पूरा कंसंट्रेशन देना है कि किस तरीके से काम हो रहा है। ये बाल मैंने उसी तरीके से जेल लगाया है। जेल के बाद मैं इस तरीके से बाल पकड़ रही हूँ और ये इस तरीके से रोल करते हुए यहाँ सेट कर रही हूँ और ये इधर ये लगा दिया। अब देखिए इनमें कितनी फिनिशिंग है। ये सब गैप भी नजर आ रहा है कि ये अलग से एक बबल है, ये अलग से है, ये अलग से है। अब हम जाएंगे नीचे की तरफ। ये जेल ली, हेयर स्टाइलिंग जेल का इस्तेमाल हो रहा है। अगर सिंपल करेंगे वो भी मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी अगर जेल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखें एक दफा मैं यहाँ बना रही हूँ, एक दफा यहाँ बना रही हूँ ताकि ये बिल्कुल बैलेंस रहे। ये जो हेयर स्टाइल है ये बहुत छोटे बालों में बहुत अच्छा बन जाता है, यानी कम बाल होंगे तब भी बहुत फिनिशिंग के साथ और बहुत बड़ा जूड़ा बन जाएगा इसमें। इसको सेट करने का मतलब है ये देखें, ये जो है ये बिल्कुल आपको सेंटर में लेना है। ये देखें, अब ये देखें ये मैंने आगे किया और ये देखें अगर मैं आपको वैसे करके दिखाऊं ये बगैर जेल के तो ये देखें इसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी, इसमें से बाल फ्रिजी हेयर बिखर रहे होंगे तो इसलिए लुक अच्छा नहीं आएगा। इसलिए इसमें जेल लगाना लाजमी है, फिनिशिंग के लिए लाजमी है आपको जेल इस्तेमाल करनी है इसमें। ये देखें अच्छा, ये जो बाल है ये वाले जो है इनमें आपको या तो वो जो अपना हेयर स्प्रे है वो यूज़ कर सकते हैं आप लोग ताकि ये बिल्कुल फिनिशिंग से नज़र आए नीचे से भी। अभी मैंने इसमें हेयर जेल ही लगा दी। ये इनको बिल्कुल एक राउंड लेना है, खूबसूरत सा राउंड होना चाहिए ताकि आपके जो हेयर है जो आपका हेयर स्टाइलिंग है उसमें खूबसूरती आए। हेयर स्टाइलिंग को टाइम देना पड़ता है, हेयर स्टाइलिंग सुकून से करें भले टाइम लगे लेकिन फिनिशिंग होनी चाहिए हेयर स्टाइलिंग में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग कैसे सीख रहे हैं हेयर स्टाइल, मेरे सिखाने का तरीका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कैसा लगता है मेरा स्टाइल समझ में आता है या नहीं आता, या आप लोगों को कोई हेयर स्टाइल सीखना है तो वो मुझे बताएं ताकि मैं वो आपको शेयर करूं। और जिस तरीके से आप सीख रहे हैं उसी तरीके से आप लोग फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें वीडियो को ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये देखें ये पूरा राउंड हो गया। ये पूरा राउंड होने के बाद हमारे पास ये हेयर्स हैं, अभी इन हेयर्स को हम यहाँ पर अरेंज कर देंगे तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा और ये नीचे की तरफ हो जाएगा हेयर स्टाइल। इसको बैलेंस करना है अगर आपको इधर उधर लगते हैं तो। अब देखें ये जेल लगाई,
देखें अगर मैं इसके ऊपर ही रख दूंगी तो ये खूबसूरती नहीं आएगी जितनी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में लगा रही हूँ इसको। अच्छा मैं सेट कर रही हूँ फिलहाल एक ही पिन से, मुझे आदत है इसलिए। अगर आप लोगों से ना हो तो आप हर बबल में 2 पिन्स लगा सकती हैं, ताकि अभी शुरुआत है, मुश्किल हो रही होगी सेटिंग में, तो इसलिए 2 पिन्स से भी आप काम चला सकती हैं अपना। लेकिन पिनों का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए है स्टाइलिंग में, ना वो ज़्यादा नज़र आनी चाहिए। अब आपको ये भी देखना है कि आपके ये हेयर्स बचे हैं तो ये पूरा काम कर लेंगे या नहीं करेंगे, पूरा जो आप बनाना चाहते हैं उसमें यूज़ करना है हमें, तो ये सब देख के चलना है। अब देखें मेरे हिसाब से जो मैंने यूज़ किए हैं तो 2 बच रहे हैं ये। अच्छा ये और बताऊं, देखें मैं हर बाल को ऊपर की तरफ राउंड घुमा रही हूँ, यूं नहीं घुमा रही। देखें ये मैंने अंदर की तरफ लिया है, ये इस तरीके से अंदर की तरफ ले रही हूँ मैं, और इसका शेप आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें ये लट जो है नीचे जा रही है, ये देखें ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है, ये इसको खोल के दोबारा से, ये देखें ये वाली बची है लास्ट लट। देख सकते हैं ये देखें ये थोड़ा सा आउट हो रहा है ना, तो इसको बाल्टिन से कवर कर सकते हैं, ये बाहर की तरफ आ रहा है ज़रा सा। ये हमने दोबारा बाल्टिन लगा दिया ताकि सेटिंग आउट ना हो, बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए कामों में। अब देखें ये है लास्ट फाइनल लुक चूड़े का, हेयरपिन। ये देखें ये एक लगा हुआ था बाल पिन, इसमें ये आउट हो रहा है तो इसमें दूसरी जगह भी लगा सकते हैं हेयर पिन। ये देखें अब इसके बाद लास्ट में आप लोग इस पर हेयर स्प्रे करेंगे। देखें हेयर स्प्रे किया, उसके बाद इसको और अच्छा हेयर स्टाइल करने के लिए ये जो बीट्स मिलते हैं वो मैं लगा रही हूँ इनमें, तो ये इससे खूबसूरत हो जाएगा। और